पाँच साल के अंदर में पूरा विकास हो जाएगा, गरीब बस्ती में पूरा का पूरा विकास होगा, नहरी गली रोड रास्ता जो भी। तो अभी हम इनसे बात करेंगे, हमारे साथ हैं आदरणीय जितेंद्र यादव जी, तो इनसे हम बात करेंगे कि बोध गया के जनता आपको जनाधार बहुत प्यार दिया है, तो आप बोध गया के जनता को क्या कहना चाहते हैं? नगर परिषद जितने भी बोध गया के जनता है उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने भारी बहुमत से जिताए हैं कि कोई आगे पीछे नहीं रहा। ये आपसे एक सवाल और रहेगा कि देश के आज़ादी के लगभग 76 से 77 साल हो चुका है, लेकिन आज भी खास करके महादलित टोला में ACST के टोला में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है, तो ये विकास कितने दिनों में गरीब लोगों की बस्ती में हो जाएगा सर? पाँच साल के अंदर में पूरा विकास हो जाएगा, गरीब बस्ती में पूरा का पूरा विकास होगा, नहरी गली रोड रास्ता जो भी। अभी तक आप डोर टू डोर घूम रहे हैं और हर एक वार्ड में जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं, तो अभी तक लगभग कितने वार्डों में घूम लिए हैं सर? करीब करीब हम लोग 40 वार्डों में घूम चुके हैं, करीब करीब 33 वार्डों में घूम चुके हैं। तो अभी हमारे साथ में कोशिश देवी से हम बात करेंगे कि बोध गया के नगर परिषद के लोगों ने आपको अथाह प्यार दिया, उन सभी लोगों को क्या कहना चाहते हैं कोशिश देवी? सभी जनता के हम लोगों के अति कर्तव्य जी। आपका सुनना, आपका सुनना दसवीं देवी। और हमारे साथ समाज सेवक के रूप में है, तो इनसे हम बात करेंगे कि आप लोगों ने कौसमी देवी को कदम से कदम मिला करके चला और लोग आपको अथाह प्यार दिया, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? सबसे पहले तो हम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सबसे बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग मैसेज पूरा पब्लिक तक, जमीन तक पहुँचाए हैं। कौसमी देवी का जितना भी प्रचार प्रसार हुआ है, घर घर तक प्रचार प्रसार आपने किया, इसलिए पहले तो सबसे पहले धन्यवाद का पात्र आप हैं। उसके बाद हमारे जितने भी नगर परिषद में 33 वार्ड जुड़े हैं, जो आप विकास की बात किए, तो जिस प्रखंड से विकास नहीं हुआ है, कुछ ऐसा वार्ड था जो पुराने में प्रखंड था और नया में कन्वर्ट होकर उसको जिला परिषद में बनाया गया, तो हम लोग जो दौरा कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो प्रखंड से कटा हुआ जो बाढ़ में आया है जी, तो उसमें विकास नहीं है, लेकिन जो पहले जो है नगर पंचायत था 19 वार्ड में, उसमें तो करीब करीब बहुत सा ज़्यादा विकास हो चुका है जी। तो हम लोग का, हमारे नेता जो है माननीय जितेंद्र जी और कौसमी देवी जी, उनका नेतृत्व में बोध गया एक पवित्र स्थल है जी, देश विदेश से लोग आते हैं, तो इनका 3300 वार्ड में 4 चांद लग जाएगा जी। और जितने जनता लोग घर घर से उमंग युवा सारे समाज तत्व के लोग एकजुट होकर इनको बधाई और पात्र बने हैं, जो वोटिंग किए, मतदान किए हैं, वो लगता है कि गया जिला का जैसे लोकसभा होता है, लोकसभा में 12,000-15,000 से लीडिंग होता है, उस तरह से लीडिंग हुआ है, तो आप समझ जाइए कि हमारे नेता का जो सिस्टम है, जो आरक्षण हुआ है, हम लोग उम्मीद थे कि एक जनरल एक महिला दलित रहेगा, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी यहाँ दोनों आरक्षण सीट किए, तो इनका एक छोटे परिवार से ही है जी। आप बात किए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी जी जो इस सीट को आरक्षण करने के काम किए, इससे आप कितना खुश हैं सर? 100% अगर 100% छूट है, पब्लिक भी खुश है, तो रुझान हुआ है जी। तो अभी तक आप कितना वार्डों में घूम चुके हैं? करीब करीब अब एक दो वार्ड बच गया है जिसको हम लोग संशोधन कर खत्म कर लेंगे जी। आपका सुनना विनोद यादव, जिला महासचिव जनता दल यू गया। उनका जो भी काम काज है मैं दिल से करवाऊंगा, कोई भी कठिनाई होगी मैं उसको दूर करूंगा जी। आपका सुनना जरा सुनना सुरेश कुमार यादव, बोध गया पूना यादव। सबसे पहले तो बोध गया नगर परिषद को जनता लोग को अधिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और हमारे बोध गया नगर परिषद के जनता लोग ने जितेंद्र भैया को भारी मतों से विजय बनाए हैं, और बोध गया एक पर्यटन स्थल है, जहाँ तक कि बहुत सारी गाँव में विकसित नहीं हुई है, वहाँ जितेंद्र यादव जी ने और कौसमी देवी दोनों को मिलकर और नगर परिषद को जनता ने मिलकर विकसित करने का काम करेंगे। जी आपका मेरा नाम जी सर, आपका नाम?